एक फकीर था बाजार से गुजर रहा था तो लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो दिल में रहम जागा तो उनको समझाया कि ये सब कुछ दुनिया ही नहीं है इस दुनिया के बाद भी कोई जहां है तुमने किसी के हुजूर पेश होना है और अपने आमाल की जवाबदही तुम्हारे कंधों पे है तो आओ अपनी आखरत को याद करो और अपने रब से ताल्लुक जोड़ लो लोगों ने कहा जा बाबा काम कर तुझे क्या पता कि दुनिया की लज्जतें क्या हैं और हम किस काम काज में लगे हैं जा अपना काम कर वो शख्स दिल बर्दाश्त हो गया वहाँ खड़ा होकर आंसू बहाने लगा कोई शख्स गुजरता हुआ रुक के कहने लगा कि किसी ने तुझे तंग किया है किसी ने तेरे ऊपर कोई ज्यादती की है तुम क्यों रो रहे उसने कहा किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की बस इनके रवैये ने रुला दिया कहा क्या हुआ कहा गुज़र रहा था इनको दुनिया में खोए हुए देखा दिल में ख्याल जागा कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूँ तो कहा फिर क्या बना कहा वो तो मान गया था यही नहीं माने वो तो कहता था ले आ मेरी दहलीज पे मैं सारे गुना माफ कर दूंगा हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं लेकिन इनसे बात की तो ये नहीं माने खैर वक्त गुजर गया वही शख्स दो एक दिन के बाद कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वही फर्द वहां रोता हुआ पाया गया तो उसने फिर अपनी गाड़ी अपनी सवारी रोकी और कहा बाबा अजीब शख्स है बाज़ारों में भी रोता है कब्रिस्तानों में भी रोता है आज क्या मसला तुझे हुआ कहा मसला वही मेरा कल परसों वाला है बाज़ार में गया था और मेरा ख्याल था कि बंदों और रब की सुलह करवा दूँ वो तो मान गया लेकिन ये ही नहीं माने मायूस हो कि आज कब्रिस्तान वालों के पास आ गया और यहाँ मेरा ख़्याल ये हुआ इनकी और उसकी सुलाह करवा दूँ तो बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि आज क्या बना कहा आज ये मान गए वो नहीं मानता तो कबल इससे कि वो वक्त आए और हम कहें लई ती कदम तो ले हयाती हाय मैंने ये जिंदगी आखिरत के लिए आगे भेज दी होती तो आज वक्त है वक्त पर काफी है कतरा भी आब खुश हंगाम का जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी खाशाते नफ्स में गुजार दी आरजू और तमन्नाओं में बसर कर दी दो दुनी चार चक्कर में पड़े रहे दौलत के अंबार लग गए फिर भी नफ्स रज्जा नहीं है अंदर की ख़्वाशात तशना की तशना ही रही फिर भी सैराबी नहीं हुई कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद ता सदफ़ काने नशुद पुर दुर नशुद रूमी अरे रहमा फरमाते हरीस की आँख का प्याला नहीं भरता कहा कि जब तक सदफ़ कने नहीं होता उसमें मोती नहीं आते और सादिशराजी बोलते हैं कि पेट भर जाता है आंख नहीं भरती तो सारी ज़िंदगी हाल में मजीद के नारे लगाते रहे जितना भी मुयसर हुआ फिर आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे किसी जगह पर भी फुल स्टॉप ना आया और ज़िंदगी यूं गुज़रती रही बसर होती रही और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हत्ता हतीज़ुल मकाबर यहाँ तक के कब्रों में जा पहुंचे तो आज अपनी आंखों के सामने मौत का रक्स देख रहे हैं और हम पूरी कायनात के अंदर देख रहे हैं कि जो वसाइल से मालामाल थे जिन्होंने दुनिया को तस्खीर करने का दावा किया था जिनका ख्याल ये था कि हम हर तरह के हालात से निपटने की सलाहियत रखते हैं हमारे पास तमाम वसाइल मैसर हैं लेकिन आज किस तरह बेबसी की तस्वीर नज़र आती हैं तो इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह की ताकत कितनी है एक तो क़यामत के दिन जब लोग आगोश मौत में होंगे और बड़े बड़े मुतकब्बरीन सरकश मतमर बादशाह शहनशाह कज कोला आगोश मौत में होंगे तो अल्लाह ताली फरमाएगा आज किसकी बादशाही है तो कोई नहीं बोल सकेगा अल्लाह फरमाएगा अनल मालिक मैं बादशाह हूं फरमाएगा एनल मुतकबरू तकबर करने वाले कहां हैं तो कुछ सर उठाने के काबिल नहीं होगा अल्लाह फरमाएगा मैं हूं मतकब् कि मुझी को जेबा है तो ये कल जो मानना है तो अच्छा नहीं कि आज ही मान लें और अपनी जिंदगी को उसकी राहों पर लगा लें तो ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह की अमानत है अल्लाह जल्ला शाह हु हमें इस ज़िंदगी को उसके रास्ते में लगाने की तोफीक दे ये आजमाइश की घड़ियां ये सज़ा के झटके ये इबरत के ताजियाने ये हमारे समझाने के लिए होते हैं हज़रत इमाम गजाली फरमाते हैं ये डूबता हुआ सूरज रोज़ हमें बताता है कि मियाँ जिंदगी पायदार नहीं है एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी डूब जाना है ये फैली हुई कबरें ये जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए लोग ये उठते हुए जनाजे ये सब कुछ तुम्हें बताते हैं तुम समझो और अपनी जिंदगी को खैर की राहों पर डाल लो ये दारुल अमल है वो दारुल जजा है फिर दारुल जजा में अमल नहीं होगा फिर पछतावा फिर डाडा पछतावा सख्त पछतावा हसरत पे हसरत दुख अजीयत हाय कोई चीख चीख के कहता था मैं उसकी बात मान लेता मेरे घर में कुरान पढ़ा था मैं खोल के देख लेता मैं मुसलिन की बात सुन लेता मैं उठते हुए जनाजों से कुछ समझ लेता तो कल जो पछताना है तो आज ही पछता लें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल की राहों पर ले आएँ